बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ मैं एक वीकली रिपोर्ट शेयर करने वाला हूँ जी। अगर आपका हरूब है, आपका इकामा एक्सपायर है, मतलूब वाले तो बंदे भाई अलहदा होते हैं ना हमसे। अच्छा, कल एक भाई ने मुझे पाकिस्तान से रब्ता किया है और मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी अपना दिखा रखा हूँ। आपका कोई भी किसी किस्म का मसला है तो आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जी हमने एक छोटी सी फीस रखी है, छोटी सी फीस, ठीक है जी। यानी कि इस वीडियो में ये फीस के मतलब क्यों बता रहा हूँ भाई, बात में बहुत से भाई बोलते हैं यार आपने वीडियो में तो फीस बताई नहीं थी, ये फीस क्यों रखी है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि व्हाट्सएप के ऊपर 2-3 हज़ार या इससे भी ज़ायद रोज़ मैसेज जो आते हैं उनका रिप्लाई करना पड़ता है मुझे, तो इसलिए मैंने व्हाट्सएप या तो सोचा था कि बंद कर देते हैं, फिर मैंने सोचा किसी को हायर कर लेते हैं, किसी को रख लेते हैं। तो खातून है जी, मेरे व्हाट्सएप वही कंट्रोल करती हैं, उन्हीं की सैलरी वगैरह को लेकर मैंने ये फ़ीस रखी है जी। आप कोई भी किसी किस्म का आपको मशवरा चाहिए, आपने बात करनी है मुझसे कॉल के ऊपर, तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये नंबर आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा था, मतार पेपर भी हम निकाल रखे हैं, आपको पता है जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जिन बंदों ने ऑर्डर दिए हुए उनके ओके हैं जी, इंशाल्लाह शाम तक सेंड हो जाएंगे। और रात को मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, जिसमें मैंने हरूब वालों के मतलब एक बेस्ट किस्म का ऑप्शन बता दिया है जी। यानी कि हरूब मकतबे अमल से कैंसिल होने जा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ जी इसे बोल सकते हैं हम। लेकिन जी बात यह है जी कि इस वीडियो में तो हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के मतलब, और वो ये है जी कि जो आपको तरहील वाले बंदे पहले बता दूं मैं, जो कि एक हफ्ते में सऊदी अरबिया से डीपोर्ट किए गए, उनकी तादाद देख लें 9,132 अफराद ऐसे हैं जी जो एक हफ्ते में डीपोर्ट हुए सऊदी अरबिया से, यानी कि तरहील के थ्रू निकाल दिए गए। अभी इनके ऊपर पाबंदी होगी 3 साल 5 साल या लाइफ टाइम के लिए, कुछ केसेस में लाइफ टाइम के लिए भी होती है। तो उसकी रीज़न उसका हल होता है जी मतार पेपर, यानी कि मतार पेपर निकलवाएं, अपने आप को चेक करवाएं, ठीक है। बेसिकली मतार पेपर का मकसद ये होता है, और वो उस टाइम निकलता है जब आप सऊदी अरबिया से आउट हो जाएं, सऊदी अरबिया से निकल जाएं, उसके बाद निकलता है आप सब सऊदी अरबिया में, फिर नहीं निकलता है। तो अभी आपको मैं कंप्लीट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो कि 17,114 अफराद पिछले 6 से 7 दिनों में गिरफ्तार हुए, इनमें इकाम एक्सपायर वाले बंदों की तादाद देख लें आप, 9,346, ठीक है जी। यानी कि 10,000 के अराउंड, 10,000 के करीब पहुंच चुके हैं जिन बंदों के इकामे एक्सपायर थे, उनको गिरफ्तार किया गया पिछले 6 से 7 दिनों में। इनमें आ गए जी मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, गैर कानूनी तरीके से इंटर होते निकलते हुए पकड़े गए 4,980, 5,000 बंदे बोल रहे हैं जी। और मुखालफा निज़ाम अल अमल, यानी कि साई खास का महीना है जी, और दूसरा महीना है जी अमल मंजिली का, या कोई और ऐसे छोटे मोटे चरवाहे वगैरह के महीने हैं और काम किए जा रहे हैं कफील के बगैर, कहीं और दिहाड़ी लगाए जा रही है, कहीं और काम किए जा रहे हैं, वो जब गिरफ़्तार हो जाते हैं तो उनकी तादाद है जी 2,788, यानी कि 2,800 बंदे बोल रहे हैं, ये भी है तकरीबन। तो ये वीकली रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इनमें देख लें 9,200 बंदा तकरीबन तरहील हुआ है, और 9,346 बंदे इकामा एक्सपायर्ड वाले गिरफ़्तार हुए हैं।